रामपुर में बीते दिन नगर परिषद पालिका रामपुर द्वारा बनाए गए MRF में कूड़ा कचरा में अचानक भीषण आग लगने से पूरा MRF की छत पर लगी टीन की चादरें आग की लपट में आने से नष्ट हो गई। स्थानीय निवासी द्वारा थाना रामपुर में आग की सूचना दी गई। पुलिस ने अग्निशमन विभाग रामपुर को सूचित किया। अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया और घटना स्थल पर पहुंचा। बताते चलें कि वार्ड नंबर 4 में नगर परिषद द्वारा निर्मित MRF में पूरे रामपुर अर्बन एरिया का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है। उसी के साथ गौशाला का भी निर्माण किया गया है, जहां पर दर्जनों से अधिक गौओं का बसेरा है। गनीमत रहे कि वहां तक आग की लपटें नहीं पहुंची। रामपुर बुसर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, ये कब लगी सर आग? ये सर 4:30 बजे के बाद में आग लगी है। हमें ये पता नहीं लगा कि किसने कैसा हुआ। मैं तो अभी आ ही रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय सर, मैं खोपड़ी में रहता हूँ। नाम? नाम सर सूरतराम है। और मैं क्या बोलते हैं रामपुर में रहता हूँ। ये आग आज ये 3-4 सालों से हर साल लगी रही है। जी जी, हर साल मतलब ऐसा कि भी लगी रही है कि मतलब अब कोई लगा के करता कि ऐसा कि भी कोई ऐसे कि भी अपने आप लग रही है जी, वो मेरे को कोई पता नहीं है जी। मेरा नाम गुलजार सिंह है जी। मैं जब इधर से 5 बजे गया तब तो कोई आग नहीं थी। उतने को इधर सड़क की साइड से आग लगी थी। जब मेरे को जय साहब का फ़ोन आया, कहते भी आग लगा दी वहाँ पे, और दो तरफ आग लगाई है। देखो बीच में रास्ता है, बीच में कोई आग नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये दो तरफ से लगाई है, एक पीछे से लगाई, एक इधर से लगाई। आपको क्या लगता है किसने जानबूझकर लगाई गई है? जानबूझकर लगाई है। अपने आप तो लगने से गई। दो तरफ अगर लगेगी तो एक तरफ ही लगेगी ना, तो दो तरफ तो नहीं लगेगी, एक ही लगेगी, एक ही जगह। यहाँ पर पूरे रामपुर बाजार का और वार्डों का कूड़ा यहाँ फेंका जाता है? सारे शहर का कूड़ा यहाँ आता है, पूरे शहर का, वार्डों का, जितने भी 1 वार्ड से लेके 9 वार्ड तक का कूड़ा यहाँ आता है। पूरे कूड़ा फेंक नहीं सकते। तो यहाँ कोई तैनात नहीं किया गया है? कोई यहाँ नहीं होता किसी जी। थैंक यू जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जी सर, आपको कब सूचना मिली आग की जलने की? लगभग 5 के आसपास ही हमें सूचना प्राप्त हुई। थाना रामपुर से हमें कॉल किया गया। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमें एक फायर बोजर यहाँ के लिए जो है सरना उत्साहित रवाना हुए। यहाँ देखा तो ये आग बहुत ज़्यादा जो है कूड़े में लगी हुई थी, जिसमें कि बिजली की तार भी एक चपेट में आई है, जल गई। और यहाँ पहुँचकर जो है हमने स्टेशन में कॉल किया कि वो बिजली विभाग को लाइन काटने के लिए कहे। वो उसके बाद जो है हमने अपना आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। तो कितनी आकर काबू पाया जा चुका है अभी तक? आग पर अभी 70% काबू पा दिया गया है, लेकिन कूड़े में नीचे दबी होने के कारण जो है इसे बुझाने में हमारे को भी कठिनाई आ रही है, क्योंकि ये आग ऊपर से जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं, आग जो है इसमें नीचे लग चुकी है कूड़े में। और जैसे जैसे इसको ऊपर से कूड़ा हटा के जो है इसे बुझाना पड़ रहा है जी। थैंक यू।